देश भर में विश्व आदिवासी दिवस की धूम है। जहां बिलासपुर में प्रदेश अध्यक्ष सुभाष पड़ते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज को बधाइयां दी, साथ ही मीडिया से कई मुद्दों को लेकर खास चर्चा भी की। इसी तारीख पर हम पूरे 9 अगस्त की तरह भारत भर में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी तरह इस वर्ष भी रहा। बाकी आपको कुछ नया देखने को मिला होगा कि किसी प्रकार का कोई डीजे नहीं था, कोई नृत्य संगीत नहीं था, सिर्फ पारंपरिक अपने जो श्रृंगार है वही था, और बाकी आक्रोश के रूप में रहा, सबके हाथ में तख्ती रहा, यहाँ तक आप देखें माइक भी नहीं था। तो पूरे प्रदेश संगठन ने निर्णय किया था कि जिस तरीके से सेंट्रल में और स्टेट में बहुत सारे संवैधानिक हमारे मांग को लेके उपेक्षा हो रही है, आदिवासी समाज में क्रोध है, आक्रोश है, तो इस ये अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि इस दिन पूरा समाज निकलता है, तो वो आक्रोश पूरे समाज में है, समाज के एक एक अंतिम पंक्ति तक पहुँच चुका है आक्रोश। तो सभी ने ये निर्णय किया, सभी महासभाओं ने निर्णय किया कि हम इस बार त्यौहार नहीं मनाएंगे, हम ये आक्रोश रूप के संवैधानिक मांगों को लेके रोड पर आएंगे।